सोशो एंड एंथ्रो कि एंथ्रोपोलॉजी है क्या। पहले एंथ्रो देखिए, एंथ्रोपोलॉजी करती क्या है आपको वैसे पता है? सोशो जो सच में वैसे देखें तो एंथ्रो का डेरिवेटिव है, सोशो जो आज हम सोशो देखते हैं ये एंथ्रो से निकली है। तो इसलिए ना यूपीएससी में जब पहले दो ऑप्शनल लेने होते थे आपको, तो सोशो एंड एंथ्रो का कॉम्बिनेशन अलाउड नहीं था, क्योंकि कह रहे थे कि ओवरलैपिंग सिलेबस ही इतना है, तो आप अगर एक पढ़ लोगे दूसरा वैसे ही प्रिपेयर हो जाता है। तो इसे सोशो एंड एंथ्रो अलाउड ही नहीं थे, क्योंकि एंथ्रो तो सच में सोशो निकली है, और इसलिए इंक्रीजिंगली पेपर में सोशो एंड एंथ्रो के बारे में बहुत पूछा जाता है कि कंपेयर कर दो दोनों के बारे में। ठीक है, ओके। एंथ्रो करती क्या है? एंथ्रो ह्यूमन एवोल्यूशन पढ़ती है कि इंसान यहाँ पहुँचा कैसे, जहाँ आज हम पहुँचे हुए हैं। ठीक है जी, हम फिजिकल लेवल पे एंथ्रो देखते हैं, कल्चरल लेवल पे कि कल्चर कैसे बन गया, कि अच्छा आप कि कोई कहीं बैसाखी मना रहा है, कोई कहीं पे पोंगल, कहीं बिहू, ऐसे त्यौहार कहाँ से आए, कल्चर कैसे आया समाज में। लेट्स से अगर औरतों की ये हालात है, अगर लेट्स से बहुत ही अनसेफ इन्वायरमेंट में रहती हैं, और लेट्स से पेट्रियार्की इतनी स्ट्रांग है, इसका रीज़न क्या है? ठीक है, तो एंथ्रो ये स्टडी करती है, थोड़ा एंथ्रो पीछे जाती है इतिहास में, और एंथ्रो वहाँ से स्टडी करते हुए आती है कि समाज यहाँ पहुँचा कैसे। आर्कियोलॉजी स्टडी करती है एंथ्रो, ठीक है, एंड एंथ्रो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा प्री लिटरेट सोसाइटी, मतलब प्री लिटरेट किसको बोलते हैं, जैसे जहाँ पे अभी ऐसे एज सच इतनी ऑर्गेनाइज्ड पढ़ाई लिखाई शुरू नहीं हुई थी, उन सोसाइटी को स्टडी करती है, क्योंकि वहीं से हमारे कल्चर चल रहे हैं आगे, वहीं से रिलीजन बने हैं हमारे देश दुनियाओं में, तो उसी को स्टडी करते हुए आगे बढ़ती है एंथ्रो। तो एंथ्रो की बेसिक सी बात याद रखना, ह्यूमन एवोल्यूशन, ठीक है जी, जो फिजिकल कि हम ऐसे कैसे बन गए, कोई पर्टिकुलर क्योंकि मैरिज के रूल्स कैसे बने, और पर्टिकुलरली फैमिलीज ऐसी क्यों होती हैं जगह पर, घर ऐसे क्यों बने, ठीक है, तो और ऐसे लोग यहाँ पे कोई लेट्स से कपड़े ऐसे क्यों पहनते हैं, कोई पगड़ी पहनता है कोई नहीं पहनता, ऐसे रीजंस क्या हैं। तो ये सारे फिजिकल, कल्चरल, सोशो, आर्कोलॉजिकल, प्री लिटरेट सोसाइटी, ये एंथ्रो के बेसिक से हम डिफाइन करने की ट्राई करते हैं। ओके, अब एक हमारे पास यहाँ पर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट एक तरीका आएगा, हमको इस बार पेपर में यूपीएससी ने पूछा हुआ है क्या होता है, हम इसको दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन आपको मैं थोड़े इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट तरीका क्या होता है, ये बोलते हैं कि जो समाज है हमारा स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट, हम सोशो में बहुत यूज़ करते हैं, हमने कहाँ से बोरो किया हुआ है, एंथ्रो से बोरो किया है, एंथ्रो का चीज़ थी, सोशो ने एंथ्रो से बोरो की है। स्ट्रक्चर फंक्शनल में क्या होता है कि समाज को स्ट्रक्चर में तोड़ देते हैं, कि देखो लेट्स से मैं अगर कास्ट वाइज तोड़ता हूँ, कास्ट वाइज, ठीक है, कास्ट वाइज अगर समाज को तोड़ूं, लेट्स से सबसे ऊपर ब्राह्मण आते हैं मान लो, फिर देन क्षत्रिय बनाए हुए हैं, एंड देन वैश्य, देन शूद्र, ठीक है, एंड देन दलित। तो ऐसा है स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट, वो कह रहे हैं कि अगर ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, तो इस स्ट्रक्चर के एग्जिस्ट करने के पीछे कोई फंक्शन भी पूरा होगा, अदरवाइज फंक्शन, अगर इस स्ट्रक्चर का कोई फंक्शन नहीं है तो ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका कोई पक्का कोई यूज़ है तभी ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है जी, मान लो कोई दुनिया में अमीर है, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास एंड वेरी पुअर, तो वो कह रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, इसका पक्का ही कोई फंक्शन होगा। तो ये हमने जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है कहाँ से बोरो किया है, एंथ्रो से, ठीक है, एंड उसके बाद डार्विन की थ्योरी बहुत बोरो की है एवोल्यूशन की हमने, कहाँ, स्पेंसर का मैंने कल बताया था आपको, सोशल डार्विनिज्म कि कुछ समाज आगे कुछ पीछे, समनर वो क्या बोलता है कि फोकवेज मतलब कि आपके यहाँ पे ट्रेडिशन ऐसा क्यों है, कि कोई बैसाखी मना रहा है कोई नहीं मना रहा, ट्रेडिशन ऐसा क्यों है। तो देन मेलिनोस्की, अपने आप हर लंबस में पढ़ोगे मेलिनोस्की, अच्छा खासा जिक्र किया हुआ है मेलिनोस्की, क्या बोलते हैं कि वो कह रहे हैं कि रिलीजन की जो थ्योरी है, रिलीजन की थ्योरी यूज़ करेंगे एंथ्रोपोलॉजिकल मेथड के साथ, कि रिलीजन की थ्योरी बनाएंगे, हम चैप्टर में पढ़ेंगे रिलीजन के, मैंने आपके यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर समराइज़ करने की ट्राई की है, रिलीजन की थ्योरी पढ़ेंगे हम कि कैसे रिलीजन बना एंथ्रोपोलॉजिकली, ठीक है, ओके। डर्खाइम ने अरुंटा ट्राइब्स के बारे में पढ़ा, डिवीजन ऑफ लेबर की थ्योरी पढ़ी, डिवीजन ऑफ लेबर की थ्योरी आप डर्खाइम की इकोनॉमी में भी डाल सकते हो, कि किस तरह इकोनॉमी का सब्जेक्ट माना जाता है डर्खाइम ने सोशियोलॉजी में छीन लिया, ठीक है, ओके। जो एम एन श्रीनिवास पेपर टू में, आंद्रे बेते, एस सी दुबे, इन्होंने फील्ड स्टडी करना कहाँ से सीखा, एंथ्रो से बोरो किया, कि जाके मैदान में देखते हैं, किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होगा, मैदान में उतरो, जाके हम एनालाइज करें, थोड़ा स्टडी करें, फील्ड स्टडी मेजर बोरोइंग है एंथ्रोपोलॉजी की, फील्ड स्टडी, ओके। देन सोशल एंथ्रो नाम की क्या चीज़ है, सोशल एंथ्रो आपको पेपर में रिसेंटली पूछा गया, व्हाट इज सोशल एंथ्रो, दो चार इसमें शब्द जान लेते हैं। सोशल एंथ्रो क्या होती है, छोटी सोसाइटी को स्टडी करती है,
ठीक है, सोसाइटी को स्टडी करती है, थोड़ा सा सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है, लेकिन सिंस छोटी सोसाइटीज़ हैं, थोड़ी सी प्री लिटरेट सोसाइटी हैं, लेट्स से जो अपने इंडिया या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में नज़र आती हैं, जो स्मॉल सोसाइटीज़, उनको स्टडी करती है। कॉलोनियलिज्म में इसका एक ओरिजिन देखा गया, जब अंग्रेज़ अपने देश में आ रहे थे इंडिया में, तो उन्होंने पहले अपने बंदे भेजे थे यहाँ पर कि जाके देख कर आओ ये कंट्री है कैसी, क्या कैसे काम करती है, कि यहाँ पे क्या ट्रेडिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती, कैसे काम करें, ठीक है। तो उन्होंने जो अपने बंदे भेजे यहाँ पर, तो उन्होंने इंडिया के बारे में बहुत कुछ लिखा, तो इसीलिए जब वो देश में घूम रहे थे, चल रहे थे, तो वो सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, वो इंडिया की सोसाइटी को स्टडी करते हैं, लेकिन इस तरह से कि ये सोसाइटी बनी कैसे, कर क्या रही है, एंड इसीलिए ये अपने आप को थोड़ा सा बेटर मानते थे, तो वेस्टर्न सोसाइटी को बेटर बेंचमार्क मानते थे, हम बेटर हैं, इंडिया को थोड़ा पिछड़ा हुआ माना इन्होंने, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एथनोसेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू। एथनोसेंट्रिक मतलब कि हम अपने आप पर सेंटर्ड हैं, किस पे सेंटर्ड है, अपने आप पर, एथनो जो मेरी एथनिसिटी है, जिस पे जिसको मैं बिलोंग करता हूँ वो बेटर है, बाकी सब पिछड़े हुए, एथनोसेंट्रिक। एंड अगर आप एग्जैक्ट वर्ड चाहते हो जानना है इसका, जो वेस्टर्न सोसाइटीज़ पे लेके जो एथनोसेंट्रिक है, उनका नाम क्या है, यूरोसेंट्रिक बोलते हैं उन्हें, यूरोसेंट्रिक, कि भाई यूरोप बेटर है, इंडिया पिछड़ा हुआ, यूरोसेंट्रिक कहलाए वो। एथनोसेंट्रिक पे हमने एथनिसिटी कौन सी डाल दी, यूरोपियन, ओके। एंड देन अपने पास लिखा हुआ मेलिनोस्की का आइडिया कि अनदर नेम ऑफ सोशल एंथ्रो इज कंपेरेटिव सोशोलॉजी, कि सोशोलॉजी कंपेयर करना, कि ये सोसाइटी बेटर, ये थोड़ी सी बैकवर्ड, ठीक है जी। तो मेलिनोस्की बोलते हैं सोशल एंथ्रो को, कंपेरेटिव सोशो भी बोल सकते हैं, ओके। कंक्लूड करते हैं, तो हमने क्या क्या आइडियाज़ बोरो किए सोशो एंथ्रो से, हमने सर्वे मेथड, फील्ड स्टडी में जाके जो जैसे देखना, क्वांटिटेटिव डेटा, कि अभी तक हम क्या करते थे, हम समाज के बारे में बताते थे कि ये समाज इस तरह से बिहेव करता है, ये समाज में औरतों का ये हालात है, कास्ट सिस्टम है, क्लास सिस्टम है, एट्सेट्रा। तो हमने उसको क्या किया, एंथ्रो कहते हैं नहीं इसको ना, इसको क्वांटिटेटिव तरह से डालो, अभी सोचो क्या करने में विश्वास ज़्यादा रखते थे, क्वालिटेटिव करने में, क्वालिटी के बारे में बात करना, क्वाली, ठीक है। तो एंथ्रो ने क्या किया, क्वांटिटेटिव, कि आप इसको थोड़ा सा नंबर्स के टर्म में बताना शुरू करो, ठीक है, ओके। फील्ड वर्क, फील्ड वर्क सर्वे मेथड आसपास ही है। एंड देन एथनोग्राफिक रिसर्च, कि पर्टिकुलर किसी एक एथनिसिटी या पर्टिकुलर किसी एक ग्रुप को उठाया, उसके बारे में पूरा जान लिया, कि इनसाइड आउट, कि करते क्या हैं ये, एथनोग्राफिक रिसर्च, ओके, ठीक है। अगेन यू कैन टेक अ ब्रेक हेयर, सोशो एंथ्रो को एक बार ढंग से देखो, प्रिंट आउट लो इसका, एंड अगेन यू रीड मोर फ्रॉम इट।